गिव योर फुल फोकस ऑन योर एम ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ के एम पर पूरा फोकस दीजिए, पूरे फोकस के साथ काम करिए। अगर आप अपना काम पूरे फोकस के साथ करते हैं तो आप अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं और सक्सेस की इबारत लिख देते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दिनेश कुमार एंड यू आर वॉचिंग आरएनजे एकेडमी। साथियों, मैं आपके बीच विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर आता रहता हूं और ये आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो एक बहुत ही शानदार एक एक्सेलेंट स्टूडेंट के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि वो सफलता हासिल करे, उसकी हम चर्चा करेंगे। आज हम आपके बीच जिस मुद्दे के लेकर को लेकर के बात कर रहे हैं उस मुद्दे में इतना दम है साथियों कि हर एक पेरेंट को, हर एक माता पिता को, हर एक स्टूडेंट को ये बात जरूर सताता है कि एक्चुअली में एक बहुत शानदार स्टूडेंट होने के लिए क्या क्वालिटी होना जरूरी है, क्या उसको अपने सब्जेक्ट का मास्टर होना जरूरी है, क्या उसे अपने काम पर बहुत तल्लीन होने की जरूरत है या फिर उसे किसी गाइडलाइन को फॉलो करने की जरूरत है। अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो हम टॉप 7 हैबिट्स ऑफ अ ब्राइटर स्टूडेंट की बात करेंगे, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट जो हाईली इफेक्टिव है यानी वो बहुत अधिक इफेक्टिव वे में एक स्टूडेंट है तो उसकी क्वालिटीज क्या क्या होने चाहिए, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक है सेट अ गोल। एक बहुत शानदार और जबरदस्त स्टूडेंट जो होता है उसकी पहली खासियत होती है कि वो अपना गोल सेट करके रखता है, एक्चुअली में उसे क्या बनना है वो जानता है, पहले से वो डिसाइड करके रखता है कि उसे बनना क्या है। साथियों, मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो ये जानते नहीं है, प्लस टू पास कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाए कि एक्चुअली में उनको बनना क्या है। और नेट की भाषा में कहते हैं निशे, वो निशे पर काम करना नहीं चाहते हैं, वो हर एग्जाम देते हैं, सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं, समझ में नहीं आता है और सफलता हासिल नहीं होती है, किसी में भी सफल नहीं होते हैं। साथियों, इसलिए एक इफेक्टिव स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो अपना गोल सेट रखे। दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी बात है कि टाइम को मैनेज करने का तरीका पता होना चाहिए, टाइम को के वैल्यू को समझे, कहीं अपना टाइम वेस्ट ना करे। अगर व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट करता है तो पक्का है कि वो सबसे कीमती चीज, क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए सबसे कीमती है उसका टाइम। और अगर वो टाइम को स्पेंड करता है फालतू जगहों पे और उसका सदुपयोग नहीं करता है तो मतलब वो सही काम नहीं कर रहा है। इसलिए एक इफेक्टिव स्टूडेंट के लिए दूसरी क्वालिटी है कि वो टाइम का मैनेजमेंट फुल या सही तरीके से करे। नेक्स्ट पॉइंट इज अटेंड क्लास रेगुलरली। एक स्टूडेंट जो वास्तव में बहुत शानदार है तो उसका तीसरा क्वालिटी है कि वो क्लास को रेगुलरली अटेंड करे। अगर वो क्लास रेगुलरली अटेंड करता है तो उसे हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में पता रहेगा, उसे पता रहेगा कि कौन सा चैप्टर कब पढ़ाया गया या किस चैप्टर में कौन से पॉइंट इंक्लूडेड है, क्या छूट रहा है, क्या होमवर्क है, क्या एक्सरसाइज है, सारी चीजें उसे वेल डन पता रहेंगी। और साथियों, ऐसे स्टूडेंट ही आगे जाते हैं जो ये जानते हैं कि किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया और कौन सा टॉपिक एक्सेप्ट या एग्जिट कर दिया गया, छोड़ दिया गया है। अगला है पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द क्लास। एक हाईली इफेक्टिव स्टूडेंट की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि जब क्लास चल रहा है तो क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है, उसे टीचर के हर एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, टीचर के साथ मिलजुल कर टॉपिक को डिटेल अध्ययन करना होता है। साथियों, अगर स्टूडेंट से ऐसा होता है कि वो टॉपिक को एक्टिवली एक्सेप्ट नहीं करता है या लर्न नहीं करता है, उससे कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं, तो ये निश्चित है कि उसी में से एग्जाम में आ जाएगा और उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए एक शानदार स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी ये भी क्वालिटी है कि उसे क्लास करते समय अपने क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और नेक्स्ट और फिफ्थ टॉपिक देखते हैं, वो है टेक इफेक्टिव नोट्स। अ स्टूडेंट मस्ट मेक एन इफेक्टिव नोट। एक स्टूडेंट को जो बहुत शानदार स्टूडेंट है या
कह सकते हैं कि इफेक्टिव स्टूडेंट है तो उसे अपना नोट्स बनाना चाहिए, बहुत ही शानदार नोट्स बनाना चाहिए और शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाना चाहिए। अगर आपका नोट्स बहुत लंबा है तो भी वो आपके लिए बोरिंग होगा और लर्न करने में मजा नहीं आएगा, इसलिए आपका जो नोट होगा वो शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए ताकि आपके पढ़ने में मजा आए और आप इजिली लोगों को अपना आंसर बता सकें और क्लास में टीचर को रिप्लाई कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज रिव्यू योर नोट्स रेगुलरली, प्लीज रिव्यू योर नोट्स रेगुलरली। सिक्स्थ पॉइंट है, अगर आप एक इफेक्टिव स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप अपने नोट्स को बार बार दोहराइए, बार बार उसको रिपीट करिए, और अगर आप अपने नोट्स को बार बार रिपीट करते हैं तो आपका नोट्स जो होगा वो एकदम से पूरी तरह से तैयार होगा और आपको टॉप पे या मेरिट में पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। और साथियों नेक्स्ट पॉइंट है सीक हेल्प व्हेन नीडेड, जब भी आपको किसी टॉपिक पे कोई डिस्कशन करना है या कहीं किसी टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन है तो टीचर से आंसर पूछने में कभी ना हिचकिचाएं, अगर जो डर गया वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा साथियों। और लास्ट पॉइंट मैं अपनी ओर से एक और जोड़ रहा हूं, वो ये है कि गिव योर फुल फोकस ऑन योर एम ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ के एम पर पूरा फोकस दीजिए, पूरे फोकस के साथ काम करिए। अगर आप अपना काम पूरे फोकस के साथ करते हैं तो आप अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं और सक्सेस की इबारत लिख देते हैं। साथियों हम मिलेंगे अगले सेशन में, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आरएनजे का सपोर्ट करिए।